से है? मैं मुंडगा से। अभी जो CUET का पेपर हो रहा था, इसमें क्या क्या पेपर देकर आ रहे हैं आप? अभी इंग्लिश और जनरल टेस्ट था, जो काफ़ी बेसिक नॉलेज बेसिकली था उसमें। अच्छा, जो मतलब CUET ने जो बताया था कि जनरल इंग्लिश के लिए ये सिलेबस होगा और जनरल टेस्ट के लिए ये सिलेबस होगा, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे? हाँ, उसी के बेस पे आया। आप तैयारी कैसे किए थे इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की? स्टडी वगैरह, सेल्फ स्टडी वगैरह। कोई बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे? बुक वगैरह तो सजेस्ट मैंने कोई बुक्स वगैरह नहीं, ऑनलाइन ही लिया बस। इंग्लिश में कौन सा ऐसा पोर्शन था जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ज़्यादा तो ये पैसेज से पूछे जा रहे थे, पैसेज वगैरह। पैसे दे दिए उसमें से 4-5 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। जनरल टेस्ट में कौन से वाले फोकस कर रहे थे? करंट अफेयर थे उसमें? नहीं, करंट अफेयर्स वगैरह तो नहीं थे, मैथ के क्वेश्चन थे ज़्यादा, और नॉर्मली जो नोबल प्राइजेस वाले क्वेश्चन थे वगैरह बस। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं CUET के लिए और उनका जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर हो, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा आपका? उनके लिए तो सजेशन ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसेज पे फोकस करें, पैसेज से ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, आप कौन से यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किए थे? मैंने तो बहुत सी यूनिवर्सिटी है, DU है, अलीगढ़ है, जामिया। कोर्स कौन सा? कोर्स मेरा BSc है। BSc, चलिए मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपके लिए। थैंक यू। क्या नाम है? सुशील। कहाँ से आए? दिल्ली से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? अभी इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का पेपर हो रहा है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बात करूँ तो CUET ने जो ऑफिशियली सिलेबस दिया है दोनों चीज़ों के लिए, क्या उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने थे? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन होगा, क्योंकि अभी आपका 1.5-2 घंटा जो एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस जो रहा होगा नेक्स्ट ईयर वालों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। वो मतलब जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही ईजी पेपर था, बहुत ही कॉमन से थे। मतलब CBSE का जो लेवल होता है उससे तो बहुत मतलब डाउन ही था, बहुत ही इजी पेपर आए हुए थे, मतलब ज़्यादा हार्ड एंड वर्स्ट नहीं था। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो ग्रामर वाले पोर्शन से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? यही मतलब मीनिंगफुल वगैरह सेम इन्हीं में से पूछे गए थे। जनरल टेस्ट में अगर बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग और जनरल टेस्ट दोनों के पूछे गए थे। जनरल टेस्ट में अगर मैं ना सिंपली पूछूँ कि करंट अफेयर वगैरह थे या जनरल नॉलेज? करंट अफेयर थे, बहुत थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। हाँ, थे बहुत ज़्यादा। आप तैयारी की थी इन सब? हाँ, किए थे हमने। वो आपको कोई आइडिया लगा कि ये कितने महीने के अंदर तक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है? 2020 का भी था। अच्छा, 22 का भी था। ओलंपिक्स वगैरह के गेम वगैरह के थे। बहुत ज़्यादा हो रही गर्मी, ज़्यादा मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस सिंपली आप ये बता दो जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं और उनका अगर कोई भी कोर्स हो, जनरल टेस्ट और जनरल इंग्लिश हो, तो उनके लिए क्या सजेशन, क्या मैसेज होगा? सजेशन और मैसेज यही होगा कि भाई मतलब बहुत ही ईजी पेपर आएगा, इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है, और बस अपना 2020 मतलब नेक्स्ट ईयर तो 21 तक का मतलब जनरल पेपर आएगा, इतना ज़्यादा हार्ड एंड वर्स्ट नहीं आएगा। थैंक यू। अच्छा, नाम नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम किस चीज़ का पेपर देकर आ रहे हैं? इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर था आज हमारा। जनरल टेस्ट का जो पेपर था या इंग्लिश की पेपर थी, उसमें जो CUET ने ऑफिशियल सिलेबस जो दिया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बन रहे थे? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग थे। मतलब जनरल टेस्ट का पेपर बहुत ईजी था, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कर सकते हैं आराम से। जनरल टेस्ट में बेसिक सभी लोग कह रहे हैं बहुत ईजी था, इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो सब कुछ ईजी था, तो वो सेक्शन क्या थे, कहाँ से ज़्यादा कौन से पोर्शन थे जहाँ से क्वेश्चन बन रहे? सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से भी क्वेश्चन पढ़े थे, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमारे क्वेश्चन उसमें पढ़े थे, और पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो क्लॉक से आया था, जो कि यही सब थे। मतलब जो CUET ने हमें सिलेबस अलॉट किया था उसी से सारे मतलब सब टॉपिक से मतलब क्वेश्चन टच किया था उसने। अच्छा, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हुआ है? हम मैंने DU और JNU सेलेक्ट किया था। कोर्स कौन सा? BSc। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज, क्या सजेशन होगा? मैं उनको देखो यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है, मतलब बस अपना अपना जो CUET ने सिलेबस दिया है उसको बस कवर करो इतना, और कवर करने के अलावा उसे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये एग्जाम नहीं हो पाएगा तुमसे। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मैंने, मॉक टेस्ट भी लगाए थे कुछ, और डेली प्रैक्टिस भी किया था। लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसका चेक किए थे? नहीं, बस क्वेश्चन वगैरह मैंने टच किया था कुछ, बट चेक नहीं किया था। कुछ बुक वगैरह जनरल टेस्ट के लिए या जनरल इंग्लिश? नहीं, बुक मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मतलब पैसे वेस्ट होंगे बस, इतना भी टफ है नहीं वो। इंग्लिश में ना कौन ऐसे पर्सन थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इंग्लिश में जैसे कि आप देख लो ना, हाँ, ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी, मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें मतलब डायरेक्ट यूज तो नहीं था बट इनडायरेक्ट यूज उसमें था, और डायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन थे, पैसिव एक्टिव वाइज ये भी सब भी थे, यही सारे क्वेश्चन थे। लोग ने ये कह रहे कि पैसे दे दिया था और उससे 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पैसेज वाले जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत ईजी थे, उसमें आप मतलब हर कोई स्कोर कर सकता है, 3 पैसेज थे उसमें से क्वेश्चन, इसी वजह से मतलब ईजी था क्वेश्चन, कट ऑफ हाई जाएगा? कट ऑफ तो मुझे लग रहा है कि हाई जाएगा। हाँ, चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है? डॉली। थोड़ा सा
कहाँ से आई है? मुनीर का। इतनी दूर दूर सेंटर दे दिए हैं ना? हाँ, अब बता रही, इतनी सुबह सुबह भी पेपर था और इतनी दूर है ना। अच्छा, अंदर की अगर बात करो तो वहाँ एसी वगैरह सब चल रहे थे? हाँ, चल रहे थे, पंखे वगैरह सब चल रहे थे। एसी था अंदर या वैसे? एसी हाँ था शायद। गर्मी लग रही थी क्या अंदर? नहीं, पानी वगैरह सब कुछ सब सही था? हाँ, सब सही था। अंदर कोई टेक्निकल इशू वगैरह आया कंप्यूटर में? नहीं। क्वेश्चन पेपर जो बने थे, जो सीयूटी ने ऑफिशियल सिलेबस जो दिया था, उसके अकॉर्डिंग बने थे? इजी थे क्वेश्चन। इजी थे? आपने ऑफिशियल सिलेबस को देखा था? हाँ। मतलब तो उसके अकॉर्डिंग थे सब कुछ? हाँ, मतलब बहुत इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं था। कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हो? मीनवाइल देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी से था ज़्यादा थोड़ा, तो उसको पढ़ना चाहिए थोड़ा। अच्छा, जनरल टेस्ट में। इंग्लिश की अगर बात करो तो वहाँ कौन से सेक्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? फेस वाले और अरेंज जो होते हैं सेंटेंस, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं मेनली। नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर जनरल टेस्ट और जनरल इंग्लिश अगर उनका है, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप, कोई सजेशन? पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादा हैं उनको पहले रिवाइज़ करें, और वैसे भी पेपर तो ईजी आता है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए? हाँ, लगाए थे, एक आध हफ्ते लगाए थे। प्रीवियस ईयर का इसका जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर देखिए? हाँ। उसका अगर आप में और अभी के पेपर का कंपैरिजन करो तो कौन सा इजी था? प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो वो थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन इस बार का थोड़ा इजी था उससे। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग उससे भी हाई जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका। एग्जिट वाले ना सर, क्या नाम है? आदित्य गुप्ता। कहाँ से आए? मैं वेस्ट दिल्ली जनकपुरी से आया। अच्छा, मतलब इतनी दूर सेंटर, मतलब कितने दूर? ये मेरे जेई में सब दिया था मैंने, तो मेरा दोनों बार यही सेंटर पड़ा था, तो सब कुछ। हाँ हाँ। अच्छा, अंदर एसी वगैरह सब कुछ? मेरे बारे में नहीं था। पानी ठंडे? नहीं, वो भी नहीं था। वो भी नहीं था? नहीं। इससे पहले वाला सेंटर जो पड़ा जो IT Z2 था, हाँ, तो वहाँ तो ये सारी फैसिलिटीज थी, पानी भी ठंडा था। एसी था, ठंडे पानी में इसमें नहीं था। मतलब सीयूटी की ना ऑफिशियल जो सिलेबस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बन रहे थे? मतलब जनरल टेस्ट की बात करो तो एक दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डिकोडिंग कोडिंग वो नहीं आया था, और रिलेशन वाइज होता है वो वाले क्वेश्चंस ही आए थे, बट वैसे तो सिलेबस वाइज ही था। अगर इंग्लिश की बात करो तो उसमें क्या था? इंग्लिश वाइज में भी जो लाइक वर्ड्स मीनिंग्स हो गए, पैराग्राफ हो गए, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब था। हाँ। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अगर मैं पहले बात करूँ इंग्लिश की, फिर उसके बाद जनरल टेस्ट की? इंग्लिश की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन थे, वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी थे, और जनरल टेस्ट की बात करें तो उसमें लॉजिक वाले क्वेश्चंस थे, मतलब पैटर्न डिकोडिंग वाले, ये वाले काफ़ी क्वेश्चंस थे। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज होगा, कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? बेसिक्स पे काम करो, जो 6th, 7th, 8th की मैथ्स है जिसपे क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है जनरल टेस्ट का, उस पर वर्क करो। अच्छा, आपने मॉक वगैरह लगाया था? ना, प्रीवियस ईयर। मैं इंजीनियरिंग, तो मतलब सब कुछ ईजी रहा होगा। हाँ, मैथ वाले क्वेश्चन सभी करके आएंगे? हाँ, सारे। बच्चों के लिए कोई सजेस्ट करना चाहेंगे जनरल टेस्ट में जो मैथ वगैरह आता है उनके लिए कुछ? उन्हें कौन से सेक्शन? पैटर्न्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा करो, और जो 6th, 7th, 8th के जो बेसिक मैथ्स वाले होते हैं वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा करो। आपने मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया? अभी मैं डिसाइड करूँगा। डिसाइड कैसे कर लेंगे? यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ता है ना फॉर्म डालते टाइम? फॉर्म डालते टाइम मैंने लाइक सारे जितने भी नॉर्थ कैंपस वाले ऑप्शन मिल रहे थे, नॉर्थ कैंपस वाले। हाँ। कोर्स कौन सा? BTech। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। थैंक यू। क्या नाम है? सर हर्ष कुमार। कहाँ से आए आप? गाज़ियाबाद से। नहीं, दूर सेंटर? हाँ, अंदर सेंटर में अगर बात की जाए तो सब कुछ मतलब ठंडा पानी वगैरह? नहीं, पानी वगैरह तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, पर लेकिन काफ़ी मतलब एसी वगैरह? एसी नहीं थे, पंखे थे ओनली। पंखे थे? गर्मी लग रही? हाँ, गर्मी तो थी। गर्मी लग रही थी ना, बाहर तो पेरेंट्स को और ज़्यादा लग रही है ना। हाँ, अच्छा, अगर क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ सिंपली सीधे तो CUET ने जो ऑफिशियल सिलेबस जो दिया था अपने साइड पर, क्या उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने? हाँ, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। कुछ भी आउटसाइड? नहीं, ओनली जो उसने बताया था वही चीज़ आई है। मतलब कौन सा सेक्शन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? हम नॉर्मली तो प्रोज वगैरह, मैंने इंग्लिश का दिया था तो प्रोज वगैरह से ज़्यादा पूछा, मतलब एक पैराग्राफ दिया उसमें से उसमें दे दिया और उसमें से चार पांच। हाँ, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो आपने, अगर मैं बात करूँ ना कि इंग्लिश वाली चीज़ों के लिए तैयारी कैसे किए थे? मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मतलब फ़ोन वगैरह देख कर, न्यूज़पेपर वगैरह को फॉलो किया था। हाँ, मॉक वगैरह लगाया था? मॉक लगाए थे। मॉक जो लगाए थे वो कितना हेल्पफुल रहा? मॉक लगाए थे मैंने, मतलब ऐसे वेबसाइट वगैरह से निकाल कर, मतलब काफ़ी हेल्पफुल तो रहे वो। प्रीवियस ईयर इंग्लिश का पेपर? प्रीवियस ईयर का तो मतलब CUET का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, हाँ, तो वो ज़्यादा, हाँ, वो भी इतना ही ऐसे ही आया था, पिछली बार जैसा ही था लगभग। पिछली बार से अगर मैं दोनों का ना कंपैरिजन करूँ, आप बताओ कौन सा टफ था?
इस बार वाला इजी लगा मुझे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन जिसका इंग्लिश रहा होगा उसमें तो अभी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। यस सर। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनका इंग्लिश अगर है तो उनके लिए क्या सजेशन होगा, कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं रिकमेंड वैसे ही करूँगा कि मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाओ और प्रोज मतलब उन पर ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान और सिनोनियम सेंटोनियम्स इन चीज़ों। कौन सी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा कोर्स? बी एस सी कंप्यूटर साइंस। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। थैंक यू सर।